पर हम चाहते हैं कि अगर लोगों के लिए व्यवस्था हो जाए। खतरों के खिलाड़ी बीच बीच में भाई हमें दिखते रहते हैं। ये देखो भाई, इनको तो मानना पड़ेगा। जोर से बोलो जय माता दी। भाई माता का नाम लेके हम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आए थे वैसे जाएंगे भी, है ना। फिर यहीं पे रहते हैं ये लोग, ये देखो। हाँ जी, क्या हालचाल। फाइनली हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, क्योंकि गाइस हमने आज घर भी पहुँचना है। तो गाइस ये था प्यारा सा नज़ारा यहाँ का, देख सकते हो। आपको मैं गाइस सब कुछ दिखाने की कोशिश की जो जो हो पाता था। और भाई कैसी फीलिंग थी भाई, एकदम थक लग गई है सभी को। गाइस अभी हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले, बाकी देखते हैं अभी जाते टाइम कैसा रहता है हमारा सफर। तो बने रहना, जाते टाइम का सफर भी पॉसिबल हुआ तो आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि चार्जिंग इशू है थोड़ा, चार्जिंग हमारे फोन में कम बची है। तो पूरे पूरे एक बज रहे, और गाइस हमें यहाँ पे मतलब लाइन पे लगे आपको भी दिखाने वाला हूँ। जाते टाइम गाइस जो लाइन लगी है ना, लंबी लाइन है, क्योंकि बीच में ग्लेशियर है। ग्लेशियर के चलते भाई लोग काफ़ी लाइनों में लगे हैं, क्योंकि भाई ग्लेशियर से चलते चढ़ाई चढ़ते टाइम तो गाइस काफ़ी थोड़ा आसान था, पर उतरते टाइम टफ है थोड़ा। तो भाई सामने लाइनें देखो यार, ये जो लाइनें हैं ना ग्लेशियर के ऊपर तक लगी हैं। यहाँ देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, मतलब ये पूरी की पूरी लाइन गाइस एंड तक लगी हुई है। और हम थोड़ा ऊपर आ गए तो गाइस काफ़ी यार थोड़ा डरावना सा भी है, सच बताऊँ तो काफ़ी दिल डर रहा है कि यार कैसे जाएंगे आगे, ग्लेशियर कैसे क्रॉस करेंगे। बस माता रानी आज अच्छे से क्रॉस करा दे जितने भी श्रद्धालु हैं, कोई स्लिप ना लगे आराम से ना। सो गाइस इस लंबी लाइन को देख सकते हो आप, किस तरह से लंबी लाइन लगी हुई है। एक पौने से एक घंटा में यहाँ पे बैठे हुए हो गए, और सामने देखो भाई, सामने तक लाइन लगी है, लंबी लाइन लगी है। देखते कब तक घर पहुँचते और कब तक ये ग्लेशियर क्रॉस करते। गाइस आते टाइम आपने देखा ये हाल, देखो भाई उस टाइम तो डर डर के बुरे हाल। गाइस चढ़ाई जो होती है ना, चढ़ाई पे इंसान चढ़ सकता है, जब उतराई है उतराई पे देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बाकी ये देखो भाई लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, और 15-20 मिनट के बाद बारी लगने वाली है अपनी भी, तो देखते हैं कब तक क्या होता है और कैसे होता है। तो अपने के हमारे साथ में बने रहना है। फाइनली गाइस हम लोग फिर से ग्लेशियर के पास पहुंच चुके हैं। अभी देखना ये है कि भाई कैसे हम लोग लांघते हैं इस ग्लेशियर को। सामने देख सकते हो गाइस कितनी भीड़ लगी हुई है, और भाई इस बार तो ज़्यादा डर लग रहा है चढ़ते चढ़ते, चढ़ाई चढ़ते उतना डर नहीं लग रहा था। अभी के टाइम भाई ज़्यादा एक्साइटमेंट भी और डर भी। ये देखो भाई जो रश लगा ना अभी तक, पीछे देखो भाई लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। मुरीद भाई फिर कैसी फीलिंग है यार, भाई बातें करते रहो थोड़ा हौसला आता है। भाई तो नंगे पैर है भाई, कैसे चलोगे ग्लेशियर पे यार। हाँ जी भाई, माता रानी की दया से चल। भाई माता रानी की दया है यार, भाई सामने देखो किस तरह से ग्लेशियर। चलो ना कौन है टकना भाई, चले आराम आराम से दौड़ कैसे लगाएं ग्लेशियर पे। तो फाइनली ग्लेशियर के पास पहुंच चुके हैं, और ये नीचे देखो और लाइन देखो भाई। डर लग रहा है। पर जय माता दी भाई, माता का नाम लेके हम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आए थे वैसे जाएंगे भी, है ना भाई। भाई आपको पकड़ सकता हूँ ना, बिल्कुल। और ये देखो भाई, भाई तो बिल्कुल नंगे पैर चले हैं आराम से, भाई लोग आराम से दूर तक है ना यार। वो आगे वाले भी चले हैं, पर क्या करें, डर लग रहा है सभी को। कोई नहीं, सो गाइस अभी फिर से निकले हैं, जैसे चढ़े थे वैसे जा भी रहे हम लोग। तो जय माता दी, माता रानी साथ देना। और ये देखो गाइस ऊपर तक ग्लेशियर है। अभी हम भाई कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हमें सिर्फ अपना रास्ता देखना है। और एक हाथ से गाइस मैंने फोन पकड़ा है, बाकी हमें कुछ नहीं पता। माता दी यार, भाई तो भाई 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 चले जी, चले हैं हम भी। तो भाई पीछे देखो भाई, लंबी लंबी लाइनें, पर इस लाइन में हम भी फंसे हैं भाई। बस अगर गाइस ऐसा ही रास्ता रहा ना, फिर तो हम आराम से एक सरवाइव कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वहाँ पे उतराई है ना यार सामने, फिर थोड़ा झिझक जाते हैं यार, इंसान है हम, डर लगता है डर, और जिसको डर लगता है डर जरूरी है। क्या बोलते भाई, डर जरूरी है। नंगे पैर वाले भाई, बर्फ दर्फ मत खाओ वगैरह। गाइस अभी यहाँ पे ना आगे बर्फ भी खाई जा रही है, तो भाई ऐसा ना करें, हमारे डर डर के सांसें सब कुछ
सांस प्राण एक हो चुका है, हम तन मन धन से इस रास्ते को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे कुछ लोग बर्फ खा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि प्यार से ग्लेशियर को लांग लें। अभी तक मुरीद भाई कोई दिक्कत नहीं है ऐसा रहा तो भाई मैं तो बड़ा खुश हूँ। वैसे मत बोलो पार निकल के बोलना ही वाला, ऐसा ही रहा वैसे वो बोल रहा हूँ भाई। माता का माँ का नाम जपेंगे भाई, जय कंडी माता यार, चलो नाम बोलो काली माता के जय, जोर बोलो ना बोलो कुंडी वाली के जय, जोर बोलो भाई काला देश के राम कने, चलो ये राम कने एक दूसरे का सहारा लेके यहाँ पे लकड़ियों डंडों का सहारा और एक दूसरे का सहारा। जय माता दी, जय माता दी। तो गाइस देख सकते हो जब जब इंसान मतलब दिक्कत परेशानी में आया तब तक ऊपर वाले का नाम लिया इंसान ने। हाँ जी भाई बेइज्जती ना गाला डरना लगता है भाई, जब जब भी डर लगा तो ऊपर वाले का नाम ही लिया भाई। ये तो असली खतरों के खिलाड़ी हैं भाई, ऐसा ना करो गावे तो ये देखो भाई इनको तो मानना पड़ेगा। जोर से बोलो जय माता दी। भाई आप इतने जल्दी मत चलो यार आगे वाले, ऊपर होना नीचे क्यों हो रहा है भाई, नीचे नहीं होना सीधा चल। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो सारे बोलो जय माता दी भाई, बोलो सारे भाई। ये देखो इनको, देख इनको मान सकते हैं यार, ये खतरों से रास्ता बनाया जा रहा है और क्या बात। इधर देखो भाई, चलो भाई चलो भाई 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 ले 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 रख इसे पर भाई। ये तो खतरे खतरों के खिलाड़ी हैं भाई जो ऊपर से आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पे रास्ता बनाया जा रहा है, कौन बना रहे हैं, धूप है धूप से थोड़ा हौसला आ रहा है भाई। भाई भाई रुको 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 अगर मेरे आगे कोई भी ना बचे ना फिर मेरा हौसला टूट जाएगा। इतनी दुनिया आपके आगे पीछे, दुनिया और ऊपर वाला भाई अपने साथ ही है। बर्फ नहीं खाने ले फायदे। तो गाइज मेरे फोन की ना स्टोरेज फुल हो चुकी है वीडियोस बना बना के, दो दिन से हो गए वीडियोस बना रहे हैं और स्टोरेज फुल हो चुकी है फाइनली। और अभी ये देखो नीचे भाई, अभी हम कंटिन्यू करेंगे यात्रा अपने दूसरे वाले फोन से। वो तो कहते जो ग्लेशियर है ना, जय माता दी, बस थोड़ा ही बचा है। जय माता दी, जय माता दी भाई, पीछे भी हौसला दे दो कि रास्ता आसान है, डरो मत। जय माता दी, 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 जय माता दी। हाय बाबा भाई, जगह भी चढ़ो और सहमो देखनी डर पैसे के और उतरू के यहाँ ना चढ़ने तो भाई हूँ चढ़ी मजे तो भाई क्या नहीं गाँव आराम से आराम से भाई लोग आराम से। भाई पीछे मैसेज फॉरवर्ड कर दो बोना आराम से आओ, टफ नहीं है उतना। पहले मैं भाई डर रहे हाथ आऊँ भी भाई डर थे अगे और अड़ी आप जहाँ हटता ता दिख लागू नहीं दिख। जय माता दी भगवान हे मेरे प्रभु ये देखो राज्य तो आज मेरी मालिश करनी ठीक है, मेरी मालिश करनी आज शिकाय के हो कोई सारी थोड़ी बात तो खोली बना रहा हौसला लिया भाई हौसला भाई।
क्या ये खुद होती है ना, क्या हो रहा है नला हुआ क्या आसान तो ब्रेक नहीं लगी थी भाई की कोई होगा। ये देखो भाई ये खतरों के खिलाड़ी बीच बीच में भाई हमें दिखते रहते हैं। शेही भी गया बोले भाई तो आ रहा था भाई। ये देखो भाई हमारे भाई लोग ने ना पूरा का पूरा ग्लेशियर भाई नंगे पैर पार किया भाई, फिर भी हम तो फिर भी जूते लगाए हमने, मतलब फिर भी आसान है। जिन बेचारों ने भाई नंगे पैर यात्रा की है वो कितनी बर्फ है, ग्लेशियर कितना ठंडा होता है भाई, इनके हौसले को देखो यार। क्या बात है। हाँ जी वो किसने आसानी से गए ना, जो नीचे से गए बेफिक्रे होके बिल्कुल भाई नीचे से। फ्रीज पकड़ मेरे को, तेरे टाइम भी बोलता है भाई बहुत। और बस थल्ले तो दिखो ही मत भाई, सिर्फ अपने पैर दिखो ना भाई, अपने पैर है यारा बात। हाँ अंड में आया तो क्या क्या किसा होगा गैस। अंकल के हौसले को मानना पड़ेगा। ये देखो अंकल जी डर नहीं लगता बड़े डर डर शाह। अच्छा अच्छा तो एक्सपीरियंस भी आना भाई नवे समय छोकरू हाय वे। गैस हमारे अंकल का जोश देखो, बिल्कुल खड़े हैं ऐसे बिल्कुल सिपाही की तरह। ये देखो भाई वो देख सामने से कैसे वीडियो बना, कोई नहीं दोस्त बना मैं छोड़ के चला गया था ना। देख जूम मार रहा है हम पे। और भैया के हौसले को भी मानना पड़ेगा। भैया क्या बात है भैया तो काम की जा रहे हैं। वो भैया ने कितने को आगे कराया और नंगे पैर चल रहे हैं, कितनों से पार करवाया हमारे भैया ने भाई, इससे बड़ा धर्म क्या होगा। क्योंकि इस जगह पे इंसान का इस डर चुका होता है, उसे अपनी जिंदगी की मतलब भीख में मांगता है इंसान की, नहीं यार ऊपर वाले हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो। उन लोगों के लिए सल्यूट है गाइस, जो दूसरे की हेल्प करते हैं ऐसी कंडीशन में, तो दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। अगर आप में इतना हौसला है कि आप इसको पार कर जाओगे बिल्कुल। जय शंभू, जय महाकाल, जय महादेव। हाय राम, फाइनली 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 जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, फाइनली गाइस। तेरे साथ नहीं आएंगे जा तू। फाइनली मेरी माँ, जय माता दी, जय चांदू वाली माता। गाइस मैं इतना डर गया था ना जब मैंने चढ़ाई चढ़ी थी, उसी टाइम मुझे दिल में डर पैदा हो गया था कि भाई अब उतरना कैसे है, अब उतरना चढ़ तो गए हम, अब उतराव कैसे। बट उतरने में उतनी दिक्कत नहीं हुई जितनी चढ़ने में हुई। चलो ए चाली यार, ठीक है करे, मार्जो करना चाहिए। हाँ मार्जो करना चाहिए था, ठीक बोल रहा। चल आए राम, ठीक है जी बाय, जाओ आराम से। हौसला देना का। तो गाइस ये देखो ये लंबी लाइन, जय माता दी गाइस, सभी श्रद्धालुओं की माँ रक्षा करना। और गाइस इतना डर गया था मम्मी कसम, मुरीद भाई मेरा दिल धक धक कर रहा था। मुरीद भाई को मैंने बोला पकड़ के ही रखो मुझे भाई, और इस बंदे ने हमें अकेला छोड़ दिया था। ये डरता नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना अपने साथियों को छोड़ देना। भाई क्यों छोड़ के गए थे हमें, मेरे को लग रहा था डर, मेरे को बंदे ने उठा के पहुंचाया यहाँ पे। अरे झूठ कैसे बोलते हुए ऐसे ऐसे लोग, खुद नहीं आ रहे अपने। तो गाइस अभी हम उसी लोकेशन पे पहुंच गए जहाँ पे ना सुबह हमने चाय वगैरह पी थी। ये देखो यार सेवा देखो, इन पहाड़ों के बीच मतलब जरा भी गंदगी पसंद नहीं करते गाइस, और गंदगी करनी भी नहीं चाहिए। क्या बोलते हैं अंकल जी? बिल्कुल 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 बिल्कुल। लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे आप?
फ्री में। लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? बस ऐसी गंदगी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जो भी गाइस लोग बाहर से आते हैं यहाँ पे घूमने आते हैं या दर्शन करने जाते हैं, तो इस तरह की गंदगी बिल्कुल भी ना फैलाएं। देख सकते हो यहाँ पे तो इन्होंने बिल्कुल लंगर का प्रबंध किया हुआ है, चाय वगैरह यहाँ पे, चने वगैरह या बिस्किट वगैरह, तो रिफ्रेशमेंट हो रही है यहाँ पे आपकी। तो यहाँ पे बिल्कुल सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो जय माता दी भैया। जय माता दी। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे कम से लगभग 10,000 बंदे जाता है, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा अगर कोई शेड शूट की व्यवस्था की जाए, चलो रोड तो नहीं है पर शेड की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा है। जी क्योंकि साल के बाद ये यात्रा होती है, तो मतलब साल के अंदर अंदर इस तरह का काम हो सकता है, पॉसिबल है। हम तो सर गवर्नमेंट से चाहते हैं इतना दूर हो है और बीच में कहीं शेड शूट की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा है, ताकि बीच में जो श्रद्धालु हैं बारिश वगैरह लगे, या बीच में आप लंगर लगाते हो उनके लिए। उनके लिए सर लंगर के लिए तो हम यहाँ के लोकल बंदे हैं। जी हम किसी से कोई फंड कुछ नहीं करते हैं, कलेक्ट हम अपना लगाते हैं। जी हम सरकार से बसे लंगर के लिए हम कुछ नहीं वो चाहते हैं, पर हम चाहते हैं कि अगर लोगों के लिए व्यवस्था हो जाए तो इससे बेहतर कोई और नहीं। तो गाइस इनका बोलने का मतलब है कि पॉइंट टू पॉइंट जब यात्रा शुरू होती है तो पॉइंट टू पॉइंट बैठने के लिए जगह हो, एक छत ही हो तो चल जाएगा गाइस। बीच में कई बार बारिश लगती है या रात को लोग लेट पहुंचते हैं, तो उस चीज़ के लिए गाइस स्टे करने के लिए लोगों के लिए कुछ ना कुछ बीच में होना चाहिए। और गाइस सबसे बड़ा जो इशू फेस किया हमने वो है गाइस वो ग्लेशियर वाली जगह, अगर वहाँ से पॉइंट टू पॉइंट कुछ चेन सिस्टम या रस्सी वाला सिस्टम लगा दिया जाए तो लोग काफ़ी डरते हैं वहाँ पर। तो आपका क्या कहना है ऊपर जो ग्लेशियर है? सर मेरा तो यही कहना कि अगर वहाँ पर चलो जो है, अगर जैसे कि उतना ना भी हो के अगर बाय द वे वहाँ पर कुछ लोग जो है, अगर लोकल लोग हो या गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ अच्छा रास्ता बन जाए। कई बार वहाँ पर वो हो जाता है, कई बार बंदे गिर जाते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार भी इसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि वहाँ पर डीसी आते हैं, पूरा सिस्टम है। तो हमारी तरफ भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, लगभग 10,000 बंदा आता है यहाँ पर। बिल्कुल इनका बिल्कुल कहने का मतलब कि जहाँ पे बिल्कुल खतरनाक डेंजर पॉइंट है वहाँ पे किसी को तैनात किया जाए, जैसे फॉरेस्ट का एरिया होता है तो फॉरेस्ट वाला कोई ना कोई पर्सन वहाँ पे रहे। जो डरते हैं गाइस, लोग काफ़ी डरते हैं, मुझे खुद डर लग रहा था जब वो ग्लेशियर पार कर रहा था। तो गाइस उनको गाइड करने के लिए ना वहाँ पे लोग होने चाहिए और यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए, किसी कोई शेड होना चाहिए बीच में रास्ते, क्योंकि गाइस काफ़ी लंबा रास्ता है। इस यहाँ पे ना सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और जो लोग बाहर से आते हैं तो वो लोग भी यहाँ पे सफाई का विशेष ध्यान दें ताकि हमारा जो स्वच्छ वातावरण है उसे स्वच्छ रखा जाए। जी थैंक यू। जय सर। जय माता। ठीक है जी। थोड़ा सा हम रास्ता भटक गए और दूसरे रास्ते से आए तो पहुँच गए भाई इस जगह पे, इस लोकेशन पे। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे गुजरों का डेरा है, और यहाँ पे हमने सोचा क्यों ना पानी वगैरह पी लिया जाए। और यहाँ पे तो भाई मुरीद भाई की तो रिश्तेदारी निकल गई। हाय हाय मुरीद भाई, चलो सही है। और गए कौन सा रास्ता है पता नहीं कौन सा है। और यहाँ पे भाई हमने पानी मंगवाया, पानी पियेंगे। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? शिवानी जी। ओके, ये देखो भाई मुरीद भाई ने अपनी रिश्तेदारी निकाल ली यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम लोग रुके थे जहाँ पे गुजरों का डेरा है, तो हमने सोचा क्यों ना यार अंदर भी दिखाया जाए, अंदर भी जाया जाए। ये देखो भाई यहाँ पे रहते हैं, किस तरह के इन्होंने बनाया होता है, काफ़ी गाइस प्यार और काफ़ी अल्टीमेट है। फिर यहीं पे रहते हैं ये लोग, ये देखो। हाँ जी, क्या हाल चाल? और ठीक हो? बढ़िया। फिर ये देखो गाइस यहाँ पे रहते हैं सभी लोग। यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? अच्छा, और भैंसे यहीं पे रहती है सारी भैंसे? अच्छा। सो गाइस अंदर से काफ़ी प्यारा और काफ़ी शानदार लग रहा है, देख सकते हो ना किस तरह से, मतलब इन पहाड़ों के बीच भाई, इन इस हरियाली के बीचों बीच ये अपना जीवन यापन करते हैं। काफ़ी गाइस प्यारा और काफ़ी अल्टीमेट है यहाँ का माहौल भी। तो भाई और गाइस फ्रंट व्यू देखो यहाँ से कितना अल्टीमेट है। ये देखो गाइस इस पूरी की पूरी हरियाली के बीचों बीच गाइस ये एक ही इनका कोठा बोलते हैं, जिसे एक ही घर है इन गुजरों का। और मुरीद भाई की तो यहाँ पे बाकमी होगी, और बाकी गाइस यहाँ पे जो ये है इनका कोठा है, ये देख सकते हो सामने। और ये देखो 3:46 पर हम उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे कल हमारा नाइट स्टे था। और यहाँ से गए हम निकले थे सुबह 5 बजे, ठीक है, वैसे 4 बजे जागे थे बट निकले थे सुबह 5 बजे, और फाइनली यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। ये देखो भाई ये लोकेशन आपने कल देखी होगी। अब देखते हैं यहाँ से क्या बनता है, हमारे जो रवि भाई हैं उनको ढूंढते हैं, और उसके बाद गए आज ही निकलना है सीधा चांजू। तो बाकी आपने कहीं बने रहना है किस तरह का माहौल रहता है। तो हमने ना खाना नहीं खाया, तो सुबह से अपने खाना नहीं खाया, तो जब यहाँ से 5 बजे निकले थे तो गए यहाँ चाय पी थी, बीच में रिफ्रेशमेंट ली थी। बाकी गए यहाँ पे जैसे ही हम लोग वापसी पे आए तो सबसे पहले भाई खाना खाया, क्योंकि भाई भूख लगी थी। ये देखो यहाँ पे खाना खाया, और बाकी लोग भी जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे खाना खा रहे हैं। हम उसी लोकेशन पे आ गए जहाँ पे हमारा टेंट लगा था, और ये देखो भाई हमारी जो है ना ड्रेसिंग भी चेंज हो गई है, हमारे कपड़े जो भाई खराब हो गए थे, किसी पे मिट्टी लगी है, किसी पे पीछे क्या लगा, बारिश में कड़ी बारिश में इस जगह पहुंचा हूँ जहाँ पे सबसे पहले गई
जहाँ पे सबसे पहला लंगर मिलता है आप सभी को, उस लोकेशन पे पहुँच कर ये लोग फिर मुझे पीछे छोड़ दिया था और मैं बारिश में भीग गया। हाँ रह गया था मैं दोस्त के हुए, इनको कोई मतलब नहीं है कि कोई इनका साथी पीछे रह रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी पहुँचे, हम भी हाँ अभी पहुँचे, आप भी पहुँचे। बारिश लगी और बारिश के चलते हम लोग यहाँ इस शिविर में बैठे हैं, जहाँ पे मतलब लंगर का प्रबंध भी है, खाना खाने का भी प्रबंध भी है, बाकी बैठने का भी प्रबंध है क्योंकि बाहर जो है ना बारिश लगी है। और गाइस दौड़ दौड़ के ना बुरा हाल हो गया इस बारिश। घंटे में पहुँचे हम इधर, एक घंटे में, एक घंटे में हमने एक घंटे में सारा का सारा सफर तय किया। पीछे आपने देखा होगा कि जाते टाइम हमें कितना टाइम लगा था, आते टाइम हमने सिर्फ ओनली एक घंटा लगाया। अभी तो टांगी घर में हमारी, बाद में दर्द पता लगेगा। बाकी गाइस अभी हमारा सफर, हमारा जहाँ हमें चांदी जाना है वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, अभी हम पहुँचने वाले हैं एक घंटे में। हाँ, जय चांजू वाली माता, जय खुंडी माता। गाइस कल सुबह हम 7 बजे से चांजू से चले थे और गाइस आज शाम को पूरे 7 बजे, 7:07 आ रहे, 10 मिनट आ रहे हैं। ये देखो भाई, कईयों को विश्वास नहीं होता है 10 मिनट आ रहे। तो गाइस मतलब कम से कम जितना आपने देखा कि कितना में टाइम लगा, टाइम कवर कर लो भाई, कितने घंटे लगे। जय चांदी वाली माता। फाइनली गाइस हमारी यात्रा मंगलमय रही, काफ़ी प्यार भरा सफ़र था और पूरी वीडियो में आपने पूरा का पूरा सफ़र गाइस देखा, सब कुछ देखा मैंने। गाइस छोटी से छोटी चीज़ दिखाने की कोशिश की आपको। गाइस अभी जो हालत है बिल्कुल माड़ी हो चुकी है, तो अभी देखते हैं कब तक घर निकलते हैं, उसके बाद आपसे गाइस मिलता हूँ। आज सुबह से मैंने तो खाना एनर्जी के साथ मिलता हूँ गाइस उसके बाद। और ये देखो गाइस यहाँ पे जय चांदी वाली माता के शाम का व्यू, ये देखो गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 10 बज रहे गाइस। ये जो हमारी प्यारी सी यात्रा थी, हमारा प्यारा सा जो सफ़र था, फिर से एंड में यही कहना चाहूँगा कि जय खुंडी माता, जय चांजू वाली माता, जय माता दी। गाइस कमेंट में एक ड्रॉप, हल्का सा ड्रॉप भाई जरूर करना, आपका ओपिनियन जरूर ड्रॉप करना कि वीडियो कैसी लगी या ये माता का प्यारा सा नज़ारा कैसा लगा। गाइस सब कुछ आपने बताना है कि कैसा आपको सब कुछ लगा। बाकी गाइस हम लोग अभी हमारे रवि भाई के घर पहुँच चुके हैं, अभी गाड़ी से उतरे गए, सुबह का टाइम हो रहा है। और गाइस वीडियोस ना पार्ट्स वाइज आने वाली हैं और वीडियोस को ना मैं डिटेल वाइज खुद बैठ के टिक के भी बनाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि गाइस जाते टाइम ना कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं, हमें कुछ कंडीशंस के चलते, कुछ सिचुएशंस के चलते वो चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में, वीडियोस पार्ट्स वाइज आने वाली हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।